हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश अजेक्स मास्टर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओरिंग डीसी वेल ओरिंग किट कैसे चेंज करते हैं, या बोलें तो बकेट लीवर का ओरिंग कैसे चेंज करते हैं। गाइस, क्या है कि बकेट रहता है, जो हमारा बकेट लीवर रहता है, तो लीवर में जो पलेट लगा रहता है ना, वो पलेट ऑयल से पूरा भर रहा था, भर जा रहा था। खाली कर दो तो 1 घंटे में भर जा रहा था, तो उसका सील कट गया था। तो उस सील को कैसे चेंज करना है, ओरिंग कैसे चेंज करना है, तो मैं आप आज की इस वीडियो में आपको वही बता दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं देखिए बकेट लीवर खोल रहा हूँ, ये 10 नंबर पाना लगता है इसमें, 10-11 का पाना लगता है, 10-11 के पाने से खुल जाएगा। देखिए लीवर मेरा बोल्ट खुल चुके हैं, तो लीवर को निकाल रहा हूँ। देखिए लीवर निकाल के मैंने साइड में रख दिया है, ये 10-11 पाना लगा था, अब एलेंकी लग रहा है। देखिए 4-5 नंबर, 4 नंबर एलेंकी से खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे 2 बोल्ट लगे रहते हैं, एलेंकी बोल्ट। देखिए दोनों खोल के प्लेट को मैं साइड में कर दूँगा, तो आप देख पा रहे हैं दोनों बोल्ट मैंने निकाल दिए। अब प्लेट को साइड में करूँगा, क्या बोल्ट नहीं खुल रहा है क्या? देखिए अब प्लेट को साइड में कर दिया। अब इसमें एक प्लेट में 2 बोल्ट लगे एलेंकी बोल्ट, वही सेम साइज के, तो इनको अभी देखिए मैं खोलूँगा। तो अब देख पा रहे हैं कि मैंने बोल्ट खोल दिए, 1 बोल्ट रह गया, वो भी निकाल दिया। ये को लगा वो बाद में निकालूँगी, पलट निकाल दिया। तो देखिए एक लीवर का ये सफ़ेद निकाल दिया है, प्लास्टिक वाला जो पैकिंग रहता है, उसके नीचे काला वाला रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक का है। अब देखिए उसके बाद मैं इसको ये बोल्ट भी खोल लेता हूँ। तो देखिए ये बोल्ट खोल रहा हूँ, खुल गया है। ये बोल्ट खोलने के बाद इसको भी निकाल के साइड में रख दूँगा, इसका भी देखिए सफ़ेद वाला जो प्लास्टिक है ना, उसको निकाल दूँगा। अब देखिए दोनों को साथ बराबर मैंने खोल लिया है। तो देखिए सबसे पहले प्लास्टिक का है, उसको निकाल लूँगा। देखिए वो निकाल दिया मैंने। अब देखिए इसके नीचे जो काला काला दिख रहा है वही वायरिंग है, उसी को चेंज करना है, दोनों में दिख रहा है। तो गाइस चक्कर क्या है कि मेरी जीभ में साइड में थोड़ा फुंसी हो गई, तो उसकी वजह से आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। वायरिंग देखिए, तो देखिए वायरिंग निकल चुका है मेरा एक लीवर का। देखिए ये वायरिंग निकाल दिया मैंने, हम देख पा रहे हैं आपके सामने ही निकाला है, वायरिंग निकाल दिया। देखिए इसमें बहुत मेहनत हुई दोस्तों, इतनी आसानी से आपने देखा, इतना आसान नहीं था निकालना, बहुत मुश्किल से निकाला है, क्योंकि मैं अकेला था, कोई मोबाइल पकड़ने को नहीं था, वीडियो बहुत लंबा हो जाती थी, मैंने निकाल के दिखा दिया है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैं सच को साफ कर लेता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसके नीचे कोई वायरिंग नहीं है, जिसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए अब दिखाता हूँ इसके बाद का प्रोसेस क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरा निकालना लगाना सब कुछ आ जाएगा इस वीडियो के बाद, किसी भी नई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने एक में ऑरेंज की ऑरेंज डाल दी है आपको, चलिए मैं उसका ऑरेंज निकालता हूँ अब। तो देखिए इसका ऑरेंज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे निकल रही है वायरिंग, बहुत परेशान कर रही है। तो आप देखते रहिए, थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई नहीं। ये देखिए दोस्तों, वायरिंग मैंने निकाल दिया है,
इसका भी वायरिंग निकल गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे बताना, मुझे कमेंट में करके बताना कि जानकारी कैसी लगी। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बढ़िया ठोक के। और इसके वीडियो के लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे कि ओरिंग निकालने में आसानी होगी। ऐसे आप बहुत कुछ जो मर्जी कर लेना ओरिंग नहीं निकाल सकते, एक ट्रिक बताऊँगा आपको, उसके बाद आप ओरिंग आसानी से निकाल सकते हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं देखिए इसका ओरिंग डाल रहा हूँ, सीधा ओरिंग को ऐसे डाल लेना है। बस देखिए आप देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए ओरिंग मैंने डाल दिया है। अब पेंचकस से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा इसको देखिए, स्क्रू ड्राइवर से नहीं किया मैंने क्योंकि उससे थोड़ा वो हो जाता। ये देखिए मैं एलन की से ही कर रहा हूँ क्योंकि ख़राब भी नहीं होगा। अगर ख़राब हो गया थोड़ा कट हो गया तो सर लीकेज हो जाएगा, दोबारा से क्या फ़ायदा रहेगा चेंज करने का। तो देखिए मैंने वायरिंग पूरा इसमें अंदर कर दिया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ये देखिए और ये मेरा पूरा आसान तरीके से फाइनली अंदर पहुंच चुका है। थोड़ा और सही से कर देते इसको क्योंकि निकलेना क्यों, इसी से पूरा प्रेशर रुकेगा हाइड्रोलिक का। थोड़ा साइड में रह गया थोड़ा बहुत, चलिए कोई नहीं, ये हो चुका है मेरा। ये देखिए एक का तो दोनों में ओरिंग मेरा डल चुका है। अब इसके बाद ऊपर डालेंगे एक काला प्लास्टिक का कवर जिससे कि ओरिंग बाहर ना निकले। तो देखिए इसमें मैंने काला प्लास्टिक का कवर लगा दिया है। देखिए उसमें देखिए प्लास्टिक का कवर दिख रहा है काला, उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से मैं पेंचकस से थोड़ा अंदर कर दूंगा फिक्स बैठ जाए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें भी काला एक प्लास्टिक का कवर लगा देता हूँ जो ओरिंग की सपोर्ट रहता है। ओरिंग सपोर्ट काला के बाद उसके बाद सफ़ेद वाला लगाएंगे। थोड़ा इसको स्क्रू ड्राइवर से अंदर कर देता हूँ फिर सफ़ेद वाला लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस सफ़ेद वाली जो प्लास्टिक कवर है उसको प्लेट में लगा लेना है। प्लेट में लगाने के बाद लीवर पे ऐसे ही रख देना है। ये देखिए मैंने एक लगा के रख दिया है, दोनों मेरे लग चुके हैं ऐसे ही। देखिए दोनों लग चुके हैं। अब बस फाइनली इसमें बोल्ट लगा देंगे, जो एलन की बोल्ट था वो लगा देंगे इसमें दोनों। तो देखिए दोस्तों मैं बोल्ट लगा रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना और लाइक करना, उसी से समझ जाऊँगा मैं। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि
इसके एलन की बोल्ट कसने के बाद इस पर पलट लगाएंगे, जैसे खोला था वैसे ही लगाना है। वीडियो से भी तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें बोल्ट लगा रहा हूँ। तो देखिए बोल्ट ही लगा रहा हूँ मैं, आप देखते रहिए। बोल्ट लगाने में आपको कोई अच्छी तरह से कस देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बहुत आसान तरीके से लग जाते हैं बोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे लीवर था ऐसे निकाल ली। देखिए दोस्तों, मैंने लीवर लगा दिया है और पाइप भी लगा दिए हैं। इससे पहले आपने दो पाइप देखे होंगे जो खुले थे, मोटे वाले, एक ये और एक ये। दोनों पाइपों को खोल लेना है, क्योंकि दोनों पाइप खुले रहेंगे तो उसका एयर आ जाएगा, प्रेशर हट जाएगा, तो आपका वायरिंग आसानी से खुल जाएगा। अगर इस पर प्रेशर रहेगा तो वायरिंग आपका नहीं खुलेगा, बहुत लोड पड़ता है। इसलिए मैं ट्राई किया है, आप इस पहले इन दोनों पाइपों को निकाल दीजिए। पाइप निकालने के बाद आप वायरिंग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगे लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।